प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से और युद्ध के क्षेत्र में रक्त और लौ की नीति से जर्मनी के एकीकरण के सपने को साकार किया। अब जर्मनी का एकीकरण तो हो गया, लेकिन बिस्मार्क इस बात को जानता है कि फ्रांस जर्मनी के एकीकरण को तोड़ने का प्रयास करेगा। बिल्कुल ही रफ नक्शा है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बना रहा हूं। पुर्तगाल, आपको सारा नक्शा यूरोप का लगभग याद हो गया होगा। ये ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी और इधर पोलैंड, और नीचे मैंने आपको बताया था एडी की आकृति का। इटली, और इधर नीचे यूनान, और इधर रूस, यहां बोस्निया, बोस्निया के साथ ये सर्बिया, ये नीचे यूनान, और इधर काला सागर, समुद्र है ये काला सागर। और इधर ये टर्की या तुर्की। देखिए, हमने ये डिस्कस किया कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण तो कर दिया, लेकिन बिस्मार्क इस बात को जानता है कि फ्रांस जर्मनी के एकीकरण को तोड़ने का प्रयास करेगा। अतः बिस्मार्क ने एकीकरण के पश्चात जो अपनी विदेश नीति बनाई वह बड़ी जबरदस्त है। बिस्मार्क की विदेश नीति में फ्रांस के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। क्या विदेश नीति? बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति के दो उद्देश्य बनाए, दो लक्ष्य बनाए। पहला, फ्रांस को यूरोप में मित्रहीन रखना। विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान से सुनिए, बिस्मार्क ने, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति का पहला लक्ष्य तय किया है कि फ्रांस को सारी यूरोप में मित्रहीन रखना। बड़ा ही असंभव लक्ष्य है। मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं आपका मित्र नहीं बनूंगा, मैं आपका मित्र नहीं बनूंगा, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं इसको, इसको या उसको या इसको फ्रांस का मित्र नहीं बनने दूंगा? ये बड़ा असंभव है। लेकिन विद्यार्थियों, जैसे मैंने कहा कि बिस्मार्क जादूगर है, वो ऐसा खेल रचता है कि बड़े बड़े उसके जाल में फंसते ही चले जाते हैं। सही कूटनीति आपको बिस्मार्क की अब देखने को मिलेगी। पहला लक्ष्य, फ्रांस को मित्रहीन रखना, और दूसरा लक्ष्य,
पहला लक्ष्य भी बड़ा कठिन है और दूसरा लक्ष्य उससे भी ज्यादा कठिन है। दूसरा लक्ष्य है सारे यूरोप में कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं होने देना, सारे यूरोप में कोई महत्वपूर्ण युद्ध न होने देना। मैं ये तो कह सकता हूं कि मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूं कि इसको या उसको आपस में नहीं झगड़ने दूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन ये वो कोई भी अन्य देश वो झगड़ा नहीं करेगा, उनके झगड़े को मैं कैसे रोकूं, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। बात को समझिएगा, यही आपको कहानी समझ में आ जाएगी। पहला उद्देश्य है मित्रहीन रखना। जब तक फ्रांस अकेला रहेगा जर्मनी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रांस कमजोर रहेगा। अभी का जो समीकरण है, अभी आपने राइनलैंड वाली बात जो जर्मनी के एकीकरण उठी थी, ऑस्ट्रिया नाराज है, इटली भी नाराज था, क्योंकि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था इटली ने अपनी कुछ फौजें यहां लगा दी, तो रोम में कुछ फौजें फ्रांस की पोप की सुरक्षा के लिए थी, वो फौजें वापस बुलानी पड़ी थी। रोम में पोप की सुरक्षा के लिए जो फौज थी वो फ्रांस ने वापस बुलाई, तो इटली के एकीकरण में भी बाधा था फ्रांस। ऑस्ट्रिया नाराज है क्योंकि प्रशा फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध में फ्रांस ने सहायता नहीं की। जर्मनी भी शत्रु है, इंग्लैंड और ब्रिटेन परंपरा भी शत्रु है, रूस से भी फ्रांस की पटती नहीं है, तो फ्रांस मित्रहीन है। लेकिन आगे चलकर फ्रांस का मित्र कोई देश बन सकता है। यदि कोई देश फ्रांस का मित्र बना तो जर्मनी के एकीकरण को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो फ्रांस को मित्रहीन रखने के लिए बिस्मार्क नहीं चाहता कोई महत्वपूर्ण युद्ध हो, क्योंकि मान लीजिए ऑस्ट्रिया काला सागर को लेकर, काला सागर में ऑस्ट्रिया पहुंचता है तो रूस विरोध करता है, रूस काला सागर में आता है, रूस काला सागर में आता है तो ऑस्ट्रिया विरोध करता है, तो ये बलकान, यहां बलकान की पहाड़ियां है, ये यूरोप का पूर्वी हिस्सा है, नीचे यूनान, यहां अल्बानिया, यहां बल्गारिया, ऊपर रोमानिया, इधर बेलारूस, इधर यूक्रेन, बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े देश हैं यहां पर। ये यूरोप का पूर्वी हिस्सा है जिस पर तुर्की ने अधिकार कर रखा है, मैं शुरुआती वीडियो में यह बात बता चुका हूं। तो ऑस्ट्रिया रूस की इस प्रदेश को लेकर और काला सागर में आने को लेकर आपस में नहीं बनती है, तो भविष्य में इन दोनों के बीच मान लीजिए युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में जर्मनी किसी एक का साथ देगा। मान लीजिए जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देता है तो फ्रांस और रूस मित्र बन जाएंगे। यदि ऑस्ट्रिया जर्मनी रूस का साथ देता है तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस हाथ मिला लेंगे। इसलिए बिस्मार्क ने तय किया कि मैं महत्वपूर्ण युद्ध नहीं होने दूंगा, कोई युद्ध ही नहीं होने दूंगा, युद्ध नहीं होगा तो फ्रांस का कोई मित्र नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिस्मार्क की विदेश नीति के जो दो उद्देश्य हैं कि फ्रांस को मित्रहीन रखना और सारे यूरोप में कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं होने देना। अब आप देखिए दोनों ही लक्ष्य बड़े असंभव, लेकिन बिस्मार्क ने इन्हें पूरा करके दिखाया। अब आप समझ लीजिए जो मैंने कुछ लाइनें शुरुआत में बिस्मार्क के बारे में बोली थी उसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं और आप समझ जाएंगे कि आने वाले समय में लगभग 20 साल तक बिस्मार्क की आज्ञा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा। बिस्मार्क जैसा चाहेगा यूरोप के रंगमंच पर वैसा ही चित्र चलेगा। क्या लाइन थी, इधर ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राजधानी बिल्कुल पश्चिम में ब्रिटेन पड़ता है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और उस समय रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग हुआ करती थी, वर्तमान में मॉस्को है, उस समय सेंट पीटर्सबर्ग थी।
लंदन से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक, इसके बीच में सारा यूरोप आ जाता है, लंदन से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक बिस्मार्क जब बोलता था तो लोग उसके वाक्य को धर्म वाक्य मानकर सुनते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। और जब बिस्मार्क चुप हो जाता था तो सारे यूरोप में यह आशंका छाने लगती थी कि कोई भयंकर घटना घटने वाली है। अब आप देखिए, जब बोलता था तो लोग धर्म वाक्य मानकर सुनते थे और चुप हो जाता था तो खलबली मच जाती थी कि कोई भयंकर घटना घटने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि दो लक्ष्य, वो भी बड़े मुश्किल महान लक्ष्य निर्धारित किए और उनको पूरा करके भी अपनी चतुराई के साथ दिखाया। आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।